Girls Woman, आज के इस वीडियो के लिए ना मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड होना भी चाहिए गाइस, क्योंकि वी गर्ल्स आर वेरी ऑब्सेस्ड विद मेकअप एंड मेकअप प्रोडक्ट। बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि आपने शॉपसी एंड मीशो के प्रोडक्ट्स जरूर चेकआउट किए होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ही चीप प्राइस रेंज में मिलते हैं एंड मुझे समझ नहीं आता कि क्या सच में वो वर्थ बाइंग है। तो उसी चीज को फिगर आउट करने के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए ना यहाँ पे ढेर सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं शॉपसी से, जिसे हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस हमारे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है कंसीलर, एक सिंगल शेड में आता है ये। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी ना उसकी पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आप एक्चुअल में समझ पाओ। यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी ब्यूजी स्किन करेक्ट कंसीलर की, देखते कि ये कितना स्किन करेक्ट करती है। वॉन्ड यहाँ पे आपको अच्छी मिल रही है, बट इसका जो अपर साइड वाला ये ढक्कन है ना वो थोड़ा मुझे लूज लग रहा है। फ्रेग्रेंस इसमें हल्की सी आती है, उतना ज्यादा आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा। वही एप्लीकेशन के बारे में बात करें ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे आप लिप बाम अप्लाई करते हो टिंटेड वाले, वैसा ही इसका टेक्सचर है। एंड थोड़ा अगर आप इसे मिक्स करोगे ना तो ये गायब भी हो जाएगा आपके स्किन से, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कंसीलर है, ये क्या ही कवर करेगा। ओवरऑल ये वाली जो प्रोडक्ट है मेरे लिए एक फेल है, ये तो मैं डेफिनेटली कभी किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाली। एंड हाँ ये भी चीज बता दो कि ये वाली जो कंसीलर है ना आप दो ही ले सकते हो, वहाँ पे एक का ऑप्शन नहीं था। एंड नेक्स्ट वाली जो हमारी प्रोडक्ट है वो है एक लिप एंड चीक टिंट, ब्रांड है इसका रोजी कोजी, काफी अच्छा लग रहा है। एक ऐसे टब वाली पैकिंग में आया है, साथ ही अपर के साइड में यहाँ पे आपको एक लिड भी मिल जाती है। फ्रेग्रेंस वाइज थोड़ी सी फ्रूटी सी स्मेल आती है इसमें, स्वॉच करके देखते हैं कि ये कैसा है। वैसे रब करने पे ना ये काफी ज्यादा ड्राई लग रहा है, स्टार्टिंग में ये चीज होती है, थोड़ा आप उसे रब करोगे ना आराम से मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी पिगमेंटेशन मिल रही है, वहीं इसे अगर आप ब्लेंड करके देखोगे ना हाँ ये आपके स्किन पे अच्छा लगेगा। एंड मुझे थोड़ा ये स्टिकी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसके ऊपर में कुछ और अप्लाई करोगे तो ये आपका मेकअप वाइप ऑफ कर देगा। 15-20 डेज के अराउंड में मुझे ये डिलीवर हुआ था, ये एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया, आप डेफिनेटली इसे ट्राई दे सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। एंड गाइस नेक्स्ट वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो है एक हाइलाइटर, एंड ये बहुत ही अच्छे से पैक होके आया था। ये वाली जो प्रोडक्ट है वो रॉन्जिल कॉस्मेटिक ब्रांड की तरफ से आती है, ब्लशर एंड हाइलाइटर का सेट है। यहाँ पे ना आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से शेड्स मिलते हैं, एंड अपर वाले शेड को स्वॉच करें ना तो ये काफी खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा सिल्वर आपको दिखेगा बट इसे आप शेक करोगे ना तो इसमें थोड़ा पिंक सा हिंट आता है, थोड़ा क्रोमेटिक फील के साथ है। एंड एप्लीकेशन के बाद ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, पिंक शेड भी मिलेगा जिससे कि आप ब्लशर की तरह भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको पिगमेंटेशन मिल रही है एंड शाइन भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। एंड हाँ ये भी बता दूं कि ये वाली जो सेट है ना इसके 2-3 ऑप्शंस भी मुझे वहाँ पे मिले थे, तो आप उनके लिए भी जा सकते हो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो। ओवरऑल कम प्राइस रेंज में ना एक बहुत ही बॉम प्रोडक्ट निकल गया है। एंड गाइस ये वाला जो प्रोडक्ट है ना आप सबको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, पीच कलर के पैकिंग के साथ आया है, SRF कलर्स की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी। एंड गाइस इस हॉल में मैंने ऐसा ट्राई किया ना कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रखे जाए जो सच में प्रैक्टिकल हो, इसलिए मैं एकदम चीपेस्ट प्रोडक्ट के लिए नहीं गई हूँ। इस वीडियो को मैंने एक बजट में रखा है जो कि 200 के अराउंड में है। एंड ये वाली जो आई शेडो पैलेट है ना ये मैग्नेटिक लॉक के साथ आई है, यहाँ पे आपको एक मिरर भी मिल जाता है इनकेस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, सोचो ये कितना ज्यादा हैंडी होने वाला है। एंड इसकी आप यहाँ पे कलर्स देखो बहुत ही खूबसूरत, एंड पीच ही कलर ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। टोटल इसमें आपको 9 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें कि 5 जो शेड्स है वो मैट साइड में एंड 4 जो बचे वो आपको शिमर साइड में मिलेंगे। बट एक जो शेड आप यहाँ पे देख रहे होगे सिल्वर टाइप का जो लग रहा है उसमें ना आपको ग्लिटर पार्टिकल्स मिलते हैं, एंड ये एप्लीकेशन के बाद ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। एंड आप देख सकते हो कि हाथों पे कितना ज्यादा शाइन कर रहा है। इसमें बस एक इशू ये है ना कि ये स्टिक उतने अच्छे से नहीं होता है, थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि ये फैल जाए। एकदम मुझे प्यार ही हो गया इस पैलेट से। इसके पहले जो हमने देखा वो मिनी पैक था, बट ये वाली जो ऑप्शन है ना इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। पैकेजिंग तो ओवरऑल प्रोडक्ट की अच्छी है ही, बट एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो इनके सेलर्स है उन्होंने फ्री में मुझे यहाँ पे काजल भी सेंड किया है। इसकी पिगमेंटेशन भी आप देख सकते हो काफी अच्छी है एंड बहुत इजिली ये ग्लाइड भी हो रही है। ये वाला भी जो आई शेडो पैलेट है ये मैग्नेटिक लॉक के साथ आया है, आपको 18 शेड्स मिल रहे हैं। अदरवाइज उतना ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं है, पिंक साइड में ज्यादा लग रहा है मुझे। गोल्डन के भी यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसकी भी स्वॉच अगर आप चाहते हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, मैं इस पे भी वीडियो जरूर लेके आऊंगी। 1-2 कलर मैं आपको यहाँ पे स्वॉच करके दिखा दे रही हूँ, स्वॉच तो अच्छे हैं इसके, बट इसका जो ये गोल्डन है ना एकदम दिख ही नहीं रहा है हाथों पे, थोड़ी ये पाउडरी भी लग रहा है, डस्ट ऑफ भी बड़े ही आराम से हो रहा है, तो फॉल आउट की भी इशू आ सकती है इस आई शेडो पैलेट में। प्रैक्टिसिंग एंड बिगनर्स के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है, डिसेंट सा प्रोडक्ट है, उतनी हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकती मैं इससे। नेक्स्ट वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक कॉम्बो पैक है, इसकी पिक्चर आप देख सकते हो। इसमें मुझे यहाँ पे 2 काजल मिले हैं एंड एक मस्कारा है, आईलाइनर भी उन्होंने दिया है। वैसे पैकेजिंग दोनों की सेम से मैं ऐसा लगता भी नहीं कि ये आईलाइनर है ये मस्कारा है। पहले इसका आईलाइनर जो है उसे टेस्ट कर
कर लेते हैं, एकदम थिन लाइन भी इससे ड्रॉ कर सकते हो आप आराम से, पिगमेंटेशन वाइज भी ठीक है। एंड एक और चीज अच्छी लगी ना कि एकदम मैट ब्लैक है। यूजुअली कम दाम वाले जो लाइनर होते हैं ना वो ऐसे शाइनी टाइप के लगते हैं, एंड इसके केस में वैसा नहीं है। मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वही इसका मस्करा देखे ना, इसकी जो वॉन्ड है वो एकदम सिंपल ऐसा आपने देखा ही होगा, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज्यादा वॉटरी है। आप इसे जैसे डिप करके निकालोगे तो ऐसा लगेगा ना कि इसमें से गिर जाएगा, इतना ज्यादा ये पतला है। एंड अप्लाई भी ठीक ठाक ही हो रही है। वैसे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि मैं ये सारी चीजों को ना अपने फेस पे ट्राई नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहते हो ना कि मैं चीप प्रोडक्ट्स अपने फेस पे ट्राई करूँ एंड आपको बताऊँ कि उनकी एप्लीकेशन या फिर वो कैसे फील होते हैं फेस पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। आ जाते इसका जो काजल है उस पे, तो यहाँ पे आपको ना अच्छी टिप वाला काजल मिल जाता है। अच्छा है कि ये ऐसी पैकेजिंग के साथ आया, आपको बार बार इसे शार्प नहीं करना पड़ेगा। पिगमेंटेशन के बारे में बात करें तो ये भी बहुत इजिली ग्लाइड हो रहा है, पिगमेंटेशन भी यहाँ पे आपको अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। ये स्मज भी हो रहा है, ये चीज तो कॉमन सी है। ब्रांड नेम इसका देख सकते हो ADS, ADS के भी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने देखे ही होंगे। इसमें एक काजल पेंसिल भी मिलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपके आईब्रोज के लिए दिया गया हो। बट गाइज मैं बता दूं कि एकदम ब्लैक कलर के काजल पेंसिल ना अपने आईब्रोज के लिए बिल्कुल यूज मत करना है, बहुत ही ज्यादा डार्क दिखते हैं आईब्रोज। ये भी जैसा आईब्रो पेंसिल होते हैं बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ही लाइट इसकी पिगमेंटेशन है। आईब्रोज के लिए ठीक ठाक है, बट ब्लैक कलर तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। ये वाले प्रोडक्ट के लिए ना मेरा 50-50 ओपिनियन है। नेक्स्ट वाला जो हमारा प्रोडक्ट है थोड़ा सा बड़ा बॉक्स में होके आया है, खैर इसे अनबॉक्स करते हैं। इस प्रोडक्ट में ना मैंने कॉम्बो पैक लिया है जिसमें कि फाउंडेशन वो ऑफर कर रहे थे, प्राइमर था उसमें, एंड यहाँ पे आपको फिक्सिंग स्प्रे भी मिलता है, साथ ही एक कंसीलर का भी ऑप्शन था। कॉम्बो पैक में मुझे यहाँ पे दो दो स्पंज भी मिले हैं। वैसे पहले इसका प्राइमर देख लेते हैं। ब्रांडिंग इसकी की गई है, बहुत ही अननोन सी ब्रांड है, मैंने कभी इसके प्रोडक्ट्स देखे नहीं है। फ्रेग्रेंस वाइज ये भी थोड़ा वो रोज पेटल टाइप का ही स्मेल करता है। एंड जेल कंसिस्टेंसी में यहाँ पे ये प्राइमर है जो की स्किन पे ना लगते के साथ एकदम पूरा ठंडा ठंडा वाला इफेक्ट दे रहा है। इसे मिक्स करके देखते कि ये कैसा लगता है। हाथ में बस ठंडा ठंडा इफेक्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पानी यहाँ पे लगा हो, कोई स्टिकीनेस यहाँ पे महसूस नहीं हो रही। प्राइमर इसे ना यहाँ पे नाम दे दिया गया है, कुछ उतना काम नहीं करता। इसका जो फाउंडेशन है वो भी यही सेम अननोन ब्रांड की तरफ से आता है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके शेड आप देख लो, इंडियन के स्किन टोन में ये शेड तो बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाला। फ्रेग्रेंस इसमें से वही सेम रोज वाटर टाइप की आ रही है। कवरेज ये आपको बहुत ही शेयर देने वाला है, बट इतना ज्यादा वाइट है कि ये किसी को सूट ही नहीं करेगा, तो इसकी कवरेज भी क्या ही काम की है। वहीं इसका कंसीलर स्टिक अगर हम ट्राई कर ले, इसे काफी सिमिलर ब्रांड के कंसीलर स्टिक के तरफ पैक किया गया है। अगर आपको वो ब्रांड के नेम का पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके एक साइड में यहाँ पे आपको कंसीलर मिलता है। इसके अगर कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें ना, तो गाइज ये फर्स्ट एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा ड्राइंग लगा, बट धीरे धीरे अप्लाई करने में ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्मूथ भी लग रहा है। शेड की अगेन वही प्रॉब्लम है, बट एप्लीकेशन इसकी अच्छी है एंड ये थोड़ा बहुत आपको कवरेज भी प्रोवाइड करेगा। वहीं इसका कंसीलर स्टिक देखे तो ऑब्वियसली ब्राउन कलर का कॉन्टोर स्टिक होगा इसका। इसकी भी एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ है एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया हो। फ्रेग्रेंस वाइज ना ये जैसा कॉफी वाइट कैसा स्मेल करता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे। मिक्स भी बहुत ही इजिली हो जा रहा है। ये मुझे यहाँ पे टूटा हुआ प्रोडक्ट रिसीव हुआ, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये इतना ज्यादा हिल क्यों रहा था। एंड हाँ एक चीज बता दूं कि मेकअप प्रोडक्ट्स में आपको कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं मिलती है, तो देख के वैसे ही मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना। फिक्सिंग स्प्रे जो इसकी है वो फिक्स एंड मिक्स ब्रांड की है, एंड इसका जो नोजल है वो व्हाइट कलर का है। ओवरऑल जो इसकी बॉडी है ब्लैक है। फ्रेग्रेंस वाइज एकदम रोज वाटर लग रहा है, एंड हाथ पे जब मैंने इसे स्प्रे किया ना एकदम पानी की तरह ये बहते जा रहा है, बिल्कुल पानी ही इसमें भर दिया गया है। इससे भी उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसके जो स्पंज भी है वो भी बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, इसे ब्लेंड करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड नेक्स्ट वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिपस्टिक का सेट है। बट गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी आपको मिल रही है। ये वाले भी जो लिपस्टिक है वो ADS ब्रांड के ही तरफ से आते हैं। 10 शेड्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत ही मिनी साइज के ये लिपस्टिक्स हैं। एंड स्वॉच आप इसकी देख लो, मुझे ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। अगर आपने कभी चीप वाले लिपस्टिक ट्राई किए होंगे ना, बिल्कुल वैसी ही इसमें से भी स्मेल आ रही है। लिपस्टिक की जो साइज आपको मिल रही है ना वो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। पिगमेंटेशन अच्छी है यहाँ पे। ओवरऑल इसके स्वॉचेस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पिंक कलर, ऑरेंज, ब्राउन, रेड सारे कलर ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। बट मुझे इतना पता है कि ये आपके लिप्स के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं रहने वाले। अगर प्राइस पे आए तो ये वाली जो प्रोडक्ट है मुझे 200 के अराउंड में मिली, यानी कि जो एक लिपस्टिक है वो 20 के अराउंड में आपको यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं साथ ही ये पैकेजिंग के साथ, वो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखो मेकअप प्रोडक्ट्स तो मैंने दिखा दिए, बट मेकअप प्रोडक्ट्स को आप अप्लाई कैसे करोगे अगर आपके पास ब्रश ही ना हो तो? इस हॉल में मैंने ब्रशेस का भी ऑप्शन रखा है, स्पंज भी मिल गया है।
है, एक मशरूम टाइप का स्पंज मिला है मुझे यहाँ पे। एंड इसकी क्वालिटी जो पहले हमने स्पंज देखे थे ना उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड काफी सॉफ्ट भी लग रही है मुझे। एंड ये चीज तो आप अग्री करोगे कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट के साथ फ्री गिफ्ट मिल रही हो ना, हम प्रोडक्ट छोड़ के पहले गिफ्ट ही देख लेते हैं। जितने भी हमारे ब्रशेस है ना वो ऐसे सिलेंड्रिकल बॉक्स में होके आए, प्लास्टिक का यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है। एक चीज यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई ना कि मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया था एंड मुझे उन्होंने पिंक कलर का सेट भेजा है। यहाँ पे आपको 12 ब्रश मिल रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे आपको 3 ब्रशेस मिल रहे हैं। क्वालिटी वाइज डिसेंट सी है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है एंड इसके ब्रिसल्स भी यहाँ पे बाहर निकले हुए हैं। आई मेकअप के लिए भी यहाँ पे अच्छे ब्रशेस मुझे लग रहे हैं। ओवरऑल सारी की क्वालिटी डिसेंट सी है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड आई नो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आप बताना कि आपको ये चीप मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे लगे। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।